मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम एक बाउल में वार्म वाटर निकालेंगे। लूक वार्म वाटर हम लेंगे, इसमें ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यीस्ट इसमें शामिल कर दी है ताकि हम यीस्ट को एक्टिव कर सकें। 1 टेबल स्पून तकरीबन 14 ग्राम्स के करीब बनता है, तो मैं ये इसको करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी। अब मैं एक साफ सुथरा सा बाउल लूंगी। इस बाउल में हम डालेंगे तकरीबन 2.5 कप्स के करीब मैदा, मतलब 2.5 कप मैदा मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जो कि तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब करीब होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी नॉर्मल शुगर और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो ईस्ट हमने एक्टिव होने के लिए रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, सारा हम इसमें डाल देंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से ही इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा सा वार्म वाटर बचा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ये 1/2 कप के करीब मैंने दूध लिया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से। आटे को हाथ से गदर करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको इस वक्त वो बहुत स्टिकी लग रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसे 1 घंटे के लिए अभी प्रूफ होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जब हम इसे काउंटर पर निकाल कर सेट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। ऐसे रहने से पिज़्ज़ा की रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होती है और बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। अब मैं इसे क्लिंग से ढककर 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख दूंगी। हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके यहाँ पे तकरीबन 1 बाउल के करीब क्यूब्स में कटी हुई चिकन शामिल कर दी। तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब ये चिकन होगी। इसको मैं पहले अच्छे तरीके से पकाऊंगी अदरक लहसुन के साथ। देखें इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें क्रश्ड रेड चिलीज, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी ओरिगानो, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी ब्लैक थिक सोया सॉस। अगर आपके पास सोया सॉस थिन हो पतला हो तो आप उसको 3 टेबलस्पून कर लीजिएगा। अब इसके साथ मैं इसको पकाऊंगी अच्छे तरीके से। पकाने के बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब केचप शामिल कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, बहुत माजरत के साथ। 2 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे मायोनीज भी शामिल कर दूंगी और इसको मैं इसके साथ पकाऊंगी। पकाऊंगी मैं इतना कि थोड़ा सा हमारा ये जो बैटर है ये सॉसी रहे, ज़्यादा खुश्क ना हो। ये देखें पकाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा अभी इसमें सॉस बाकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और पका के इसको डिश आउट कर लूँगी। ये लीजिए चिकन की स्टफिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बाउल में निकाल लिया है मैंने इसे ठंडा करने के बाद। जब चिकन की स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स शामिल करूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम ले ली है, थोड़ी सी गाजर को छोटे क्यूब्स में काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और रेड कैप्सिकम है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगे। इसको एंड में हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इनकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। बस इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। ये हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे साइड में कर देंगे। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ। 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो जो है वो प्रूफ हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ से सेटल कर लेंगे और अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करने के बाद अपने काउंटर टॉप पे निकाल लूंगी। तमाम डो को काउंटर टॉप पे निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और हम अपनी डो को जो है वो फॉर्म करेंगे। पिज़्ज़ा की डो जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस उसका टेस्ट भी होगा। बस इस तरह से करके हमें अपने डो को फॉर्म कर लेना है। ये देखें ज़रा सा भी अब स्टिकी नहीं रहा है। ये इस तरह से करने के बाद मैं एक पेड़ा सा बना लूँगी इसका और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब इस हिस्से को भी मैं तकरीबन 8 पार्ट्स में काट लूँगी। अब हर पार्ट के मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के आपने साइड में रखते जाना है। ये देखिए अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे पेड़े बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। अब काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद मैं एक पेड़े को बेलना शुरू करूँगी। इस तरह से हम एक पेड़े को रखेंगे और इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला रोटी की तरह हमें नहीं बेलना है, बस हमें थोड़ा सा इसको बेलना है ताकि ये थिक भी रहे और एक सर्कल की शेप में भी आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स बस इतनी रोटी हमें बेल के तैयार कर लेनी है। अब मैं एक फोक की मदद से इसको पोक कर लूँगी थोड़ा सा।
अब मैं इसके ऊपर रखूंगी एक चीज़ का स्लाइस। स्लाइस रखने के बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो स्टफिंग मैं इसके ऊपर रख दूंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इस पे स्टफिंग रखूंगी। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मायोनीज स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे और अब हम इसकी पोटली बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से देखें और से देखिएगा, इस तरीके से हमने इसकी पोटली बनानी है। बस हर साइड को हमने चुन देती जानी है और इस तरह से ऊपर उठाता जाना है और फिर इसको इस तरह से हम रोल कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी एक पोटली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको हम अब साइड में रख देंगे। एक और बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इस पेड़े को बेलना है। बेलने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी इसके ऊपर। चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैं यहाँ पे चिकन की स्टफिंग रखूँगी। वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे दोबारा से। ऊपर मायोनीज लगाएंगे, ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे और इसकी पोटली बनाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप मोज़रेला चेडर या फिर पिज़्ज़ा चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्लाइस चीज़ ना हो। बस इस तरह से हम इजीली तमाम पोटलियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा सा ऊपर से इसको रोल करना है ताकि ये पोटली की शेप में आ जाए। बस ये पोटली हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको भी साइड में रख देंगे और इसी तरीके से मैंने सारी पोटलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बन को हम पहले से ही 180 डिग्री पर प्री हीट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ट्रे तैयार कर ली है बटर पेपर और ऑयलिंग लगाकर। अब तमाम पोटलियाँ मैं इसमें रख दूंगी। तमाम तो नहीं, जितनी आएंगी इसमें वो इसमें ट्रांसफर कर देंगे हम। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से लगे और इनमें रौनक सी आए। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ की स्ट्रिप्स काट ली हैं मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे श्रेडेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लैक ऑलिव से इसको डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए, इसी प्रोसेस से मैंने तमाम की तमाम पोटलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगानो और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अब हम इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। अगर आप किसी पतीले में या कढ़ाई में रखना चाह रहे हैं तो फिर आधे घंटे के लिए इसे बेक करने के लिए रखिएगा। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से और डिलीशियस से पोटली पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सैम्पल कर लेते हैं। इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और कितने हसीन और कितने खूबसूरत से ये लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी ये डिफरेंट से होते हैं क्योंकि मैंने इसकी स्टफिंग थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। चटपटी सी सॉसी सी जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई थी उसने इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला कर दिया है। चीज़ का फ्लेवर तो अपनी जगह ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा यमी से ये पोटली पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ है। ये देखिए, इसको मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत से इसकी लुक आई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पिज़्ज़ा की रोटी भी हमारी कितनी फ्लफ़ी और कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही यमी जूसी और डिलीशियस सा ये पोटली पिज़्ज़ा बनके रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।